Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Varshika Singh and I'm back with another exciting video. और आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ because I finally found an working serum जो actually effective है मेरी acne prone skin के लिए, जो कि बहुत ज़िद्दी होता है और बहुत मुश्किल हो जाता है यार. वो जो acne skin spots छोड़ जाते हैं and फिर dark spots बन जाते हैं. Too much of a struggle, and if you struggle मेरी तरह तो please keep on watching this video. And अगर पसंद आए, थोड़ी helpful लगे तो please give it a thumbs up. Also subscribe अगर नहीं किया है तो यार please. तो यार बिना time waste कर हम सीधा product की बात करते हैं. तो ये जो serum मैंने ढूंढना है ये है Wow Skin Science वाले brand का, जो कुछ ऐसा दिखता है. I will leave a zoomed up video here जिससे आप अच्छे से देख पाओ what this सिरम एक्चुअली इज. एंड इस सिरम का नाम है विटामिन सी प्लस. और प्लस का मतलब मैं अभी समझाती हूँ. इसमें सबसे पहले, जैसे कि आपको नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इसमें है विटामिन सी. विटामिन सी के अलावा इसमें है फिरोलिक एसिड, और उसके अलावा भी इसमें है विच हेजल करके इंग्रेडिएंट्स. ये तीन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, बाकी जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो तो है ही है. तो हम बात करते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट की, विच इज़ विटामिन सी, और जो कि इसमें 20% प्रेजेंट है. इफ़ यू आर अ न्यूबी तो आप कम परसेंटेज वाले प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट आई एम डूइंग विद सीधा ये वाला 20% बिकॉज मैंने पहले भी यूज़ करा है विटामिन सी. ये पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. मैंने करा था, मुझे ठीक लगा, दैट्स व्हाई आई वेंट अहेड विद इट ऑन माई स्किन. पहले इसलिए पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना एल्बो पे या जैसे आपको ठीक लगे. और अगर आपकी स्किन यूज टू है विटामिन सी के तो गो हेड. ठीक है, तो विटामिन सी हमेशा से हमने सुना है कि स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है. तो आपकी स्किन को रीजेनरेट करने के लिए, ब्राइटन अप करने के लिए, डार्क स्पॉट्स को फेड करने के लिए हमने बहुत तारीफ सुनी है विटामिन सी की. ठीक है, और इसमें आपने एक नया टर्म सुना है, अगर मेरे लिए नया था, फिरोलिक एसिड, जो एक प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट है अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च. वो इसमें 1% प्रेजेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब एंटी एजिंग होता है वो. और इसमें भी वो लिखा है, अगर आप प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज रखना पसंद है, आप पढ़ोगे भी, आपको भी ये सब मिलेगा. तो इसमें विटामिन सी एस आई टोल 20% है, फिरोलिक एसिड 1% है, जो कि हाइपर पिगमेंटेशन में भी हेल्प करेगा और आपके रिंकल्स वगैरह फेड करने में भी हेल्प करता है. दूसरी हो गई ये चीज़. तीसरा, अगर आपने इंग्रेडिएंट चुना है विच हेजल, आपके जो पोर्स हैं उन्हें मिनिमाइज करता है और एक क्लियर स्किन देने में हेल्प करता है. एंड मुझे बींग एक्ने प्रोन स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप, मेरे पोर्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो यहाँ तक स्प्रेड हो चुके हैं. तीन के अलावा एक मेन इंग्रेडिएंट और है इसमें, विच इज हाइलुरोनिक एसिड. बहुत फेमस हो चुका है हाइलुरोनिक एसिड. आई तो बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड होता है जो आपकी स्किन का मॉइस्चर इंटैक्ट रखता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी स्किन का यू नो मॉइस्चर छीन लेती हैं. तो इसलिए हाइलुरोनिक एसिड काफ़ी अच्छा माना जाता है, जिससे आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे, प्लम्प रहे, मतलब जो हाइड्रेशन हमें रिक्वायर्ड है वो बनी रहे. और आपका कोलेजन स्ट्रक्चर, कोलेजन हमारी स्किन कोलेजन से बनी होती है, तो उसका स्ट्रक्चर भी मेंटेन करने में हेल्प करता है. तो ये चार चीज़ें इसमें जो प्रेजेंट है वो बहुत ही अच्छी हैं आपकी स्किन के लिए. और ये जो मैं बात कर रही हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को ट्राई एंड टेस्ट करने के बाद ही बात कर रही हूँ, बिकॉज आई स्ट्रगल विथ फाइंडिंग अ गुड सीरम माई सेल्फ, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अबाउट माई कॉम्बिनेशन स्किन टाइप एंड एक्ने प्रोन स्किन, आई स्ट्रगल अ लॉट. तो ये मैंने कुछ टाइम से ट्राई कर रही हूँ, आई गेस मुझे एक हफ्ता हो गया है. इतनी जल्दी रिव्यू मैं यूजुअली नहीं करती अगर मुझे इफेक्ट नहीं दिखता तो, बट इस सिरम ने मेरे स्पॉट्स काफ़ी ज़्यादा फेड करे हैं, मुझे जेन्युइनली हेल्प करा है. बाकी मैं इसे लॉन्ग टर्म में यूज़ करने के बाद फिर रिव्यू ज़रूर दूंगी, बट फिलहाल जितना मैंने देखा मेरा स्किन का मॉइस्चर इसने ख़राब नहीं करा, एक्सेस ड्राई नहीं करा, मुझे कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद. रही बात मैं जो बात कर रही थी, एक ने में हेल्प करा है, डेफिनेटली इट हेल्प बिकॉज आई वॉज ब्रेकिंग आउट वेरी मच. तो इसने मेरे वो एक ने वहीं स्टॉप करे हैं जेन्युइनली, और जो मेरे काफ़ी स्पॉट्स हो गए थे एक ने के वो थोड़े फेड हुए हैं. अभी एक हफ्ता ही हुआ है तो स्लोली स्लोली मैं इसे टाइम दे रही हूँ. मैं ज़्यादा कुछ इसके साथ लेयर नहीं करती हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू यू नो मिक्स इट विद सम ऐसा इन्ग्रीडियंट जो उल्टा ही रिएक्शन हो जाए. तो बेसिकली आपको करना क्या ऐसे है इसको यूज़, वो मैं बताती हूँ. तो आप कोई भी जेंटल क्लेंजर जो आप यूज़ करते हैं अपना फेस वॉश करने के लिए, आप वो स्टेप आपका वन है. सेकंड है, आपको ये सीरम अप्लाई करना है, और पर आप इसको रब मत करना, टेक अ पी साइज अमाउंट और हाथ पे लो, रब करो, मतलब फेस पे रब मत करना, हाथ पे लेकर पी साइज अमाउंट अच्छे से फेस पे डैब करना है, और इसे एक मिनट तक छोड़ दो, एब्जॉर्ब होने दो.
रब मत करना, एकदम से फ्रिक्शन नहीं बनाना है हमें, बस डैप करके स्किन पे छोड़ दो, जिससे अपनी हमारी स्किन वो उसे खुद ब खुद एब्जॉर्ब कर ले। लीव इट फॉर 1 to 2 मिनट्स, आपको लगे कि अच्छे से सीरम एब्जॉर्ब हो गया है, तो आप लेयर इट विद द मॉइस्चराइजर, कोई सा भी मॉइस्चराइजर जो आपको सूट करता है, जस्ट गो हेड विद दैट। और अकॉर्डिंग टू दिस आप दिन में से 2 बार यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी धीरे धीरे से बिल्डअप कर रही हूँ, मैं अभी 1 ही बार कर रही थी, बट मैंने पिछले 2 दिन से दिन में 2 बार यूज़ करना स्टार्ट करा है। स्टिल इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज़ दैट सेक्सी गर्ल, वरना आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी छोड़ सकते हो। ऑल्सो अगर अभी इस पर कोई डिस्काउंट होगा या कुछ भी होगा, जहाँ जहाँ ये अवेलेबल, मैं सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ। And yeah, that's it for my today's video. I hope you enjoyed it, and I will see you next time with an exciting video. Till then, bye bye.